4 to the power minus 1 plus 8 to the power minus 1 whole divided by 1 by 3 by 2 whole to the power minus 2. सबसे पहले 4 to the power minus 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 by 4 plus उसी तरह 8 to the power minus 1 को 1 by 8 और ये bracket के अंदर है तो इसको इसी तरह रहने दीजिए divided by 1 by 3 by 2 whole to the power minus 2 है तो इसमें भी power minus 2 है तो हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं 2 by 3 और जैसे ही इसका इन्वर्स करेंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगा ठीक है इक्वल अब क्या करेंगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये एलसीएम हो गया 8 और 4 2 जाए 8 तो ये हो गया 1 2 जाए 2 प्लस 8 1 जाए 8 तो 1 1 जाए 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय और ये 2 by 3 होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 by 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल 2 plus 1 3 हो गया 3 by 8 डिवाइडेड बाय 1 upon 4 by 9 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9 by 4 ठीक है इक्वल्स 3 by 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 9 ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कैंसिल होने के बाद ऊपर में आपका बचेगा 1 और 1 1 into 1 1 और नीचे आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 तो ये हमारा आंसर हो गया 1 by 6